रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो आप देखिएगा पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई लोग फुल वीडियो नहीं देखते हैं तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं इसीलिए, लेकिन आज आप देखते हैं। मैं अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ आटे की मिठाई बनाने जा रही हूँ। अब आटे का तो लड्डू भी मैं डाल चुकी हूँ, आटे का और भी जिस मोदक भी डाल चुकी हूँ, पर आज एक आटे की मिठाई बनाऊँगी। तो वो देखिएगा कि आटे का मिल्क केक कैसे बनता है। तो मैंने क्या किया है कि अपने किसी भी नाप का, जैसे मैंने इस नाप से 1.5 कटोरी मैंने आटा लिया है और इसको 1.25 कटोरी मैंने घी लिया है और इसको इसमें कढ़ाई में डाल दिया है और इसको मैं भून रही हूँ लगातार। तो जब तक इसमें जैसे आटे का लड्डू बनाते खुशबू आती, वैसे जब तक ना आने लगे तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। तो और इधर भी मैंने क्या लिया है कि मैंने अगर 1.5 कटोरी आटा लिया है तो मैंने 1 कटोरी ये आपका जो है एक बाउल मैंने चीनी लिया है, इसको पीस लिया है। आपके पास बूरा हो तो आप बूरा भी डाल सकते हैं, पर मैंने तो चीनी पीस लिया है। और इतना मैंने इसका 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आप मिल्क पाउडर ना हो तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, पर मेरे पास था इसलिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर बादाम लिया है, पिस्ता लिया और ये बीज लिए हैं। इस बीज को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं। ये बिना ऑयल के ही ड्राई रोस्ट करे जाते हैं ये हमेशा, और इसमें ऑयल नहीं डाला जाता। देखिए कितने बढ़िया बीज फूल गए ये। और इधर मैंने इलायची पाउडर लिया है और जिसमें मैं ये अपना मिल्क केक जमाऊँगी वो मैंने ये केल लिया है। तो ये देखिए मेरा आटा जो है ये भुन रहा है और ये देखिए आटा जो है इसको मैं भून लूँ। कम से कम इसमें 7 या 8 मिनट लग जाते हैं भूनने में, पर टेस्टी बहुत अच्छी टेस्टी बर्फी बनती है ये। और मिल्क केक जैसे हम लोग बनाते हैं तो ये मिल्क केक ही समझ लीजिए, तो आटे का मिल्क केक या आटे की मिठाई, आटे का आप कुछ भी समझ लीजिए क्या चीज़ है, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। और ये देखिए मेरा ये भुन चुका है, ये देखिए ब्राउन भी हो गया और खूब अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही है। तो अब ये भुन गया है तो मैं क्या करूँगी इसमें कि गरम में ये जो मैंने मिल्क पाउडर लिया है ये डाल दूँगी इसमें और इसको चलाती रहूँगी मिल्क पाउडर डाल के। ये देखिए मिल्क पाउडर्स को इसमें मिक्स कर रही हूँ, जब मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें वो चीनी डालूँगी पिसी हुई। और इसी वक्त में इसमें इलायची जो मैंने पीस के रखी थी वो डाल दूँगी और ये जो बीज है ना ये आधे में अंदर डाल दूँगी और आधे ऊपर से बाहर से डालूँगी। जो भी आपको पसंद ना हो वो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हो गया है आटे में और अब मैं इसमें ये चीनी जो रखी थी पीस के वो डाल दूँगी इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी कम कर लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लीजिए। और हम गैस बंद कर दिए, मैंने गैस को अब नहीं खोलेंगे, इसी हल्के से जो गर्म है इसी में ही हम चीनी को मिलाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बर्फ़ी नहीं जम पाएगी, ये मिल्क केक जम नहीं पाएगा, इसलिए हम गर्म में ही चीनी को मिलाएंगे और थोड़ी देर तक ऐसे मिलाते रहेंगे तो इसमें ये मिक्स हो जाएगा, ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको जमा सकते हैं। आटा और मिल्क पाउडर और शुगर मैंने मिक्स कर दिए और ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा घी 1/4 कटोरी घी लिया था तो मैंने उसमें थोड़ा सा घी बचा लिया था जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी और फिर 5 मिनट और चलाऊँगी इसको। तैयार बिल्कुल, और ये देखिए जमने वाली, ये जम जाएगी, इसके बहुत अच्छा मिल्क केक बनेगा, सॉफ्ट एकदम बढ़िया। और मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक पास थाली हो थाली में भी कर सकते हैं। और पहले मैंने एक डब्बा है मेरे पास मैंने लिया है, इसमें एक बटर पेपर लगा दिया और देखिए घी लगा दिया चारों तरफ मैंने इसमें, तो घी से क्या होगा ना आराम से छूट जाएगा ये। तो ये देखिए मैंने घी इसमें चारों तरफ लगा दिया, अब मैं ये इसमें पलट दूँगी। ये देखिए बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं और ये ऐसे प्लेन कर देंगे, देखिए एक लेबल में इसको, बहुत ही
छः 15 मिनट मुझे इसको रखना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप 15 मिनट फ्रिज में भी, आधा घंटे बाद ये एकदम जम के तैयार हो जाएगी। तो पहले मैं पंखे में ठंडा कर लूँगी, फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी इसको। कर दिया, अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करूँगी। तो इसमें मैं थोड़े से जो मैंने बीज भून के रखे थे खरबूजे के हैं, ये देखिए ये ऊपर से डाल दे रही हूँ, पिस्ता डाल रही हूँ देंगे जिससे ये इसके अंदर चला जाए और हमको ऊपर से अच्छे से जम जाएगा उसी के साथ ही। ये हमारा जो हमने इसके ऊपर किया है गार्निश किया है, ये भी पूरा इसके साथ जम जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। ड्राई फ्रूट 15 मिनट बाहर रखूँगी, फिर 15 मिनट इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर इसके बहुत अच्छे पीसेस कटेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटे मैंने इसको रख दिया था फैन के नीचे, बिल्कुल बढ़िया हो गया है ये। और अगर तब भी आपका ना हो तो आप थोड़ा सा फ्रिज में भी 10 मिनट, ज़्यादा नहीं रखिएगा फ्रिज में, और इसको बाहर ही रखिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपका 20-25 दिन चलेगी, ख़राब नहीं होगी ये, क्योंकि इसमें पानी या दूध नहीं पड़ा हुआ। ये देखिए इतनी बढ़िया बनी है, देखिए ये बनी है मिल्क केक। केक बन के तैयार है और बहुत ही टेस्टी बना, बहुत ही सॉफ्ट बना है कि काट रहे तो भी टूट रहा है ये, तमिल इतना सॉफ्ट ही बना है। अभी देखिए आप, देखिए कितना सॉफ्ट है ये, देखिए नहीं है फ्रिज में रखेंगे तो घी है तो टाइट हो जाएगी। तो इसको बाहर ही रखिए अपने डिब्बे में बंद, या टाइट डिब्बे में बंद करके। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरा कोई भी न्यू वीडियो होगा तो आप तक तो जब ही पहुँचेगा जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे। और जैसे भी आपको लगी हो उसमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक फॉर वॉचिंग।